सही में आप सबको दिल से बड़ा वाला थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट जो आपने मुझे और निखिल को दिया है. इट रियली मीन्स सो मच. से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल जो बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा और जो हम निखिल के चैनल पे कवर करना भूल गए थे वो था ये, किसने किसको पहले प्रपोज़ किया. किसी ने भी किसी को भी प्रपोज़ नहीं किया. ना ही निखिल ने मुझसे कभी पूछा दैट विल आई बी हिज गर्लफ्रेंड, ना ही मैंने उसे कभी पूछा विल यू बी माई बॉयफ्रेंड. आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ अ फ्रेंडशिप ऑल ऑफ अ सडन एक दिन, एक्चुअली एक शाम, निखिल मुझसे ऑल ऑफ अ सडन कहता है आई लव यू. एंड आई हैड दिस रियली बिग स्माइल ऑन माई फेस और मैंने लाइक 10 सेकेंड का पॉज लिया और फिर निखिल ने मुझे बोला सॉरी शानिस इफ आई ऑफेंडेड यू और फिर मैंने कहा नो आई लव यू टू एंड आई थिंक दैट्स द टाइम वी स्टार्टेड डेटिंग. तो हमें कभी भी किसी ने फॉर्मल प्रपोजल बिल्कुल भी नहीं किया. आई डोंट नो वाई मुझे बड़ा शाई फील होता है आप लोग के सामने हमारी लव स्टोरी के बारे में बात करना. बट या ऐसे कुछ हुआ था. कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि वो मेरे मॉम डैड का रिएक्शन देखना चाहते हैं ऑन अ रिलेशनशिप बींग ऑफिशियल. इट्स वियर्ड अपने मॉम डैड से पूछना बड़ा ही हिलास. पीपल वांट टू नो व्हाट इज योर रिएक्शन सीइंग माइन एंड निखिल्स रिलेशनशिप बींग ऑफिशियल. व्हाट टू टेल यू, आई एम नॉट वेरी सरप्राइज. आई शुड ऑलवेज आस्क यू आर यू सीरियस, आर यू इन रिलेशन विद हिम. व्हेन निखिल आस्क्ड यू एंड यू सेड यस, इट वॉज अ हैप्पी मोमेंट फॉर अस क्योंकि हमने तो सोचा ही था कि निखिल इज अ गुड बॉय, इज अ वेरी गुड बॉय, डिसेंट बॉय विच एवरी पेरेंट विल लाइक टू हैव हिम एज अ सन इन लॉ. सो यू अप्रूव इट. सी यू अप्रूव्ड इट, इट इज योर चॉइस, करेक्ट? हां. सो वी आर ओके विद इट. बट यू आर हैप्पी और नॉट हैप्पी? आई एम वेरी हैप्पी. I'm very happy. You are happy na? हाँ. Are you happy? I am very happy. और अभी मम्मी पूरा emotional, फिर से don't become emotional. I'm not become emotional. तो ये मेरी मम्मी actually देखा जाए तो मेरे mom और dad को निखिल ज़्यादा पसंद है मुझसे. मेरी मम्मी हमेशा बोलती निखिल इज बेटर. बिकॉज आई फील ही इज अ वेरी डिसेंट बॉय. एंड आई एम नॉट डिसेंट. नो यू आर, यू आर टू माय डॉटर, यू आर माय डॉटर. हाउ कैन आई से यू नो. बट निखिल इन सेंस लाइक वेरी, I feel him very matured person, very understanding. ये देखने के बाद निखिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा. Yeah, very understanding. You know why? Why? Because I've noticed him from many years. I'm seeing him, and I find him a good boy. 100 on 10 points. Yes. Daddy अभी shy feel कर रहे थे, but daddy please, तुम्हारा भी reaction चाहिए लोगों को. What do you think? I think he is a good boy. नहीं पता यार reaction क्या था तेरा जानने के बाद कि you know अभी लोगों को बोल दिया हम लोग ने. मुझे बहुत खुशी हुई. और बस बस डैडी इज फीलिंग शाय पर इन शॉर्ट डैडी को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है. अच्छा लग रहा है. और हर माँ बाप को ऐसे ही लड़का मिलना चाहिए अपने लड़की के लिए, तो इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी होती है एंड वेरी हैप्पी.